हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें हम आपको समय समय पर SLR से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, जैसे निकॉन हो या कैनन हो, नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एक निकॉन के लेंस के लिए, जो कि है निकॉन AF-S70-300। ऐसे दोस्तों, वैसे निकॉन में अगर 70-300 की बात करी जाए तो दोस्तों 4 70-300 लेंस आते हैं। तो सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक लेंस, तो जैसे कि मान लीजिए जो AF लेंस है 70-300 निकॉन का, वो मात्र आपको 6,000-6,500 रुपये में मिल जाता है, और एक 70-300 है जो कि 40,000 के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सा लेंस कौन से में लगेगा। कई लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना चुका हूँ कि लेंसों में कौन सा लेंस किस कैमरे में सपोर्ट करता है और कौन सा लेंस किस कैमरे के लिए बेस्ट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में से देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कैमरे के लिए कौन सा लेंस बेस्ट है और कौन से लेंस में क्या क्या फीचर हैं। काफ़ी पॉपुलर वीडियो है मेरा वो, और सबसे अच्छा वीडियो भी है। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसके अंदर आप देख के वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो है निकॉन AF-S70-300 के लिए, जो कि ये है वो 40,000 वाला लेंस। वैसे तो 70-300 7,000 का भी है, लेकिन ये 40,000 वाला है। तो आज जानेंगे इसमें क्या क्या खास बात है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ। फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भी कि ये इतना महंगा क्यों है। और ये है इसका केस, ये है इसका हुड। हुड और केस का अपने को क्या करना है, इनको साइड में रखते हैं। प्लस इसके अंदर मैनुअल की बुक और वारंटी कार्ड भी आती है, एक साथ अनबॉक्सिंग भी हो रहा है अपना, ठीक है। ये मैनुअल की बुक और वारंटी कार्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका वारंटी कार्ड है, ठीक है। तो नंबर वंबर मत देखिए, छोड़िए आप। बात है लेंस की, तो ये रहा लेंस। बॉक्स को साइड में रखते हैं, बॉक्स का प्राइस वगैरह आपको दिखा देता हूँ अगर आप लेना चाहें। अब शायद आपको दिख गया होगा, दिख गया, चलिए दिख गया तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो ये है दोस्तों वो लेंस, ये है, ये आपको आफ्टर डिस्काउंट भी 37-38 हजार से कम का नहीं मिलेगा। देख लीजिए अच्छी तरीके से, इस पे रेड कलर में VR लिखा हुआ है, बाकी में सब में नॉर्मली आता है, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग और ये पीछे का माउंट। खैर बात करते हैं फीचर की, छोड़ो ये चीजें तो आप देखते रहोगे। तो दोस्तों इसमें ऐसा क्या है कि ये इतना कॉस्टली है। देखिए जो आता है निकॉन का 70-300, जो 7,000 वाला आता है, वो है AF लेंस, मतलब ऑटो फोकस है, लेकिन उसके अंदर बिल्ट इन मोटर नहीं आती और बिल्ट इन VR भी नहीं आता है। मतलब कि आप अगर बेसिक कैमरे पर मतलब ले रखे हैं आपने 3300, 3400, 5300, 5600, तो उसमें आपको ओनली मैनुअल फोकस ही करना पड़ेगा और VR भी काम नहीं करेगा। अगर आप शौकीन हैं स्पोर्ट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि VR का रोल होता है कि जैसे आप अगर हैंड से कैप्चर कर रहे हैं और आपका हाथ बिल्कुल, क्योंकि अपना हाथ आप कितना भी स्टिल कर लो फिर हल्का फुल्का तो मूवमेंट करता ही करता है, तो अगर वो मूवमेंट थोड़ी सी भी होगी तो आपका फोकस आउट हो जाएगा या थोड़ी आपकी फोटो में ब्लरनेस आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ये, तो दोस्तों ये जो लेंस है ये है AF-S निकॉन 70-300 mm VR ED लेंस, ठीक है। तो और जो दूसरे दो लेंस आते हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। निकॉन ने दो लेंस नए निकाले हैं, AF-P 70-300, एक VR है और एक नॉन VR है, लेकिन वो दोनों ही लेंस दोस्तों DX के लिए हैं, ओनली फॉर DX कैमरा, मतलब कि जिनके पास हाफ फ्रेम सेंसर है, फुल फ्रेम नहीं है, DX छोटा सेंसर होता है वो, जिनके पास है APS-C जिसे बोलते हैं, वो अगर सेंसर है, तो वो जो दो 70-300 लेंस है वो DX यूज के लिए है ओनली। और ये वाला जो है इस पे कहीं पे भी DX लिखा हुआ नहीं है, मतलब ना FX लिखा हुआ है ना DX लिखा हुआ है, मतलब अगर आप
एफएक्स में यूज करना चाहते हैं इस लेंस को तो एफएक्स में यूज कर सकते हैं, या आप डीएक्स यूज करना चाहते हैं तो डीएक्स यूज कर सकते हैं। प्लस जैसे आपका कितना भी कैमरा पुराना हो या कितना भी नया कैमरा हो, ये निकोन की पूरी लाइनअप के साथ सपोर्ट करता है, तो इसको आप दोनों में ही यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए इसमें, ये देखिए दो तीन ये आपको, मतलब अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, मैं और आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये काफ़ी सारे बटन्स हैं। इनका क्या क्या यूज़ होता है, जो आप वो दोनों लेंसेस लेंगे उसके अंदर ये एक भी बटन नहीं आता है। तो आप इसके अंदर ऑटो फोकस करना चाहते हैं तो ऑटो फोकस कर सकते हैं, और अगर मैनुअल फोकस करना चाहते हैं तो मैनुअल की रिंग दी हुई है यहाँ पे, जिससे आप मैनुअल फोकस भी कर सकते हो। VR है, VR आप ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग VR, अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन भी रख सकते हैं, और ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ भी रख सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो इसमें नॉर्मल और एक्टिव का एक तीसरा बटन भी दिया हुआ है, मतलब कि अगर आप जैसे नॉर्मल VR कब यूज़ किया जाता है, जब आप स्टिल हो प्लस आपका सब्जेक्ट रनिंग में है तो नॉर्मल रखिए, और आप भी रनिंग में हो, जैसे मान लो आप किसी सफारी वगैरह में शूट कर रहे हो लोइन वगैरह की, और लोइन भी रनिंग में है, दोनों ही रनिंग में हो तो आप एक्टिव रखिए, तो उससे क्या होता है कि दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर हो पाएंगे। तो ये था निकोन का AF-S निकोर 70-300 4.5 से 5.6G लेंस का रिव्यू। तो काफ़ी अच्छा लेंस है, बहुत ही अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के हिसाब से लेना चाहते हैं या ऐसा लेंस देखना चाहते हैं 70-300 में जो आपके किसी भी बॉडी पे या कोई किसी भी जैसे DX हो या FX हो, कोई भी आपका कैमरा हो उस पे ये लग जाए, तो आप को ये लेना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में कोई एक और एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन हम रिव्यू लेके आएंगे, जिसमें हम आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेंसेज SLR कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ आपके कमेंट्स वगैरह हो तो हमें दीजिए, हम उन पर जल्दी अमल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।